हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। होपफुली आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो है इंडियन वीकली मील प्लानिंग अलोंग विद सब मेन्यू एंड प्री प्रिपरेशन आइडियाज़। और ये एक रैंडम वीक का मेन्यू है, हर वीक सेम नहीं होता है। ग्रॉसरीज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, आइडियाज़ चेंज होते रहते हैं। और मेरी मील प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है यूजुअली संडे आफ्टरनून और इवनिंग, जैसे ही टाइम मिल जाए। और यहाँ पर मैं रीफिल कर रही हूँ बच्चों के लिए चीरियोज़। तो सिया और भूमि को इस तरह के चीरियोज़ सीरियल खाना काफ़ी पसंद है, तो ये रीफिल कर दिया है। और साथ ही इस बार हम लोग कॉस्को से ये क्रिकलैंड के अनसॉल्टेड बटर का काफ़ी बड़ा पैकेट ले आए हैं, जो कि हम ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका घी बना दिया जाए। और आप में से कई लोगों के मेरे पास मैसेज आते हैं कि गौरा तुम घर पर ही घी बनाया करो। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, पहले मैंने कई बार घर पे घी बनाया है, लेकिन मेरे हस्बैंड कहते हैं क्यों तुम इतने एफ़र्ट्स लेती हो, और नानक का जो घी होता है वो काफ़ी अच्छा आ जाता है, तो हम लोग इसलिए मार्केट से ही बाई कर लेते हैं। बट ये बटर एक्स्ट्रा था, तो मैंने सोचा इसका घी बना देती हूँ, इस बहाने ये यूज़ हो जाएगा। और देखिए ये पूरा डब्बा मैंने फिल कर दिया है, हल्का सा वार्म सा है, और मैंने इसको छान दिया है। और ये देखिए परफेक्ट सा घी रेडी है, जिसको आप रोटियों पर या किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। और नेक्स्ट स्टेप है ग्रॉसरी शॉपिंग। तो मैं मील प्लानिंग बाद में करती हूँ, पहले ग्रॉसरी शॉपिंग करती हूँ। और कुछ चीज़ें वीकली बेसिस पे आती हैं, और कुछ चीज़ें जो होती हैं वो 2 वीक्स में एक बार आती हैं। तो ये है मेरी सारी ग्रॉसरी, इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें 2 वीक्स के लिए हैं और बाकी चीज़ें जो हैं वीकली बेसिस पे हैं। तो ग्रॉसरी को अच्छे से स्टोर करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ये टमाटोज हैं, इनकी लॉन्ग शेल्फ लाइफ के लिए मैं इस तरह से एक पेपर टावल लगा लूँगी फ्रिज के एक शेल्फ में, और टमाटोज़ के जो डंठल हैं ये इनको मैं इस तरह से निकाल दूंगी। और साथ ही जो पेपर टावल लगा के मैंने ड्रॉअर में इसको टमाटोज़ को इस तरह से रखा है, और इससे इनकी लॉन्ग शेल्फ लाइफ रहेगी। ये मैंने यूट्यूब से ही ट्रिक सीखी है। दूसरी चीज़ है गार्लिक। तो वैसे तो आजकल मार्केट में पील्ड गार्लिक का पैकेट मिल जाता है, लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ फ्लोरिडा आए थे तो मेरे हस्बैंड काफ़ी बड़ा पैकेट ले आए थे गार्लिक का, जो मैं अभी तक ख़त्म नहीं कर पा रही हूँ। तो इसको मैंने पील कर लिया है, और इस तरह से पील करके मैं इसको एक एयरटाइट डब्बे में रख दूँगी, तो मुझे किसी भी रेसिपी के लिए बार बार गार्लिक पील करना नहीं पड़ेगा। और अगर पील्ड गार्लिक लो तो ज़्यादा बेटर है, नेक्स्ट टाइम से मैं वही लूँगी। तो ये देखिए रेडी हो गया है। ऑल्सो फ्रूट्स, तो फ्रूट्स कई बारी ना फ्रिज में रखे ही रह जाते हैं और फैमिली वाले खाते ही नहीं हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि फ्रूट्स को कट करके सर्व कर दूँ। एक बार फैमिली मेम्बर्स को फ्रूट्स कट करके सर्व कर दिए जाएँ तो डेफिनेटली वो खाते ही हैं। नेक्स्ट स्टेप है कुछ मसाले आप घर पे बना सकते हो। मैं बहुत ज़्यादा मसाले घर पे नहीं बनाती हूँ। अच्छे ब्रांड के मसाले अगर मार्केट से ख़रीदे जाएं, वो परफेक्ट टेम्परेचर पे रोस्ट होते हैं, कूल होके ग्राइंड होते हैं। बट यहाँ पर मैं पंचफोरन मसाला बना रही हूँ, और मेरे पास ये सारे सीड्स थे ही, तो मैंने इन सब सीड्स को मिक्स कर दिया है, और हमारा पंचफोरन मसाला जो है रेडी हो गया है, जो किसी भी तड़के के लिए परफेक्ट है। और हमारे किचन के कैबिनेट्स में काफ़ी सारा सामान ऐसा होता है ग्रॉसरी का, जो हमने काफ़ी दिन से नहीं बनाया है, हम भूल जाते हैं। तो आगे वीक की मील प्लानिंग के बारे में सोचने से पहले एक बार किचन के कैबिनेट्स को देख लिया जाए, क्या चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें ज़्यादा रखी हैं जो बहुत दिनों से यूज़ नहीं करी हैं, कोई चीज़ ख़राब होने वाली तो नहीं है। तो एक नज़र मार के काफ़ी आइडिया हो जाता है। अगर कोई चीज़ दिख रही है कि फ़िनिश होने वाली है, तो उसको लिख देती हूँ मैं एक लिस्ट में, और जो चीज़ें हैं जैसे प्याज, आलू, लहसुन वगैरह, उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। तो मैंने देखा कि मैंने ब्लैक चने और ये येलो मटर जो है काफ़ी दिन से नहीं बनाई हैं, तो यहाँ पर मैंने ब्लैक चने और येलो मटर सोक कर दिए हैं ओवरनाइट, सो दैट मैं आने वाले वीक में इनको बना सकूँ। और वीकेंड पे या फिर वीक के बीच में जब भी मुझे टाइम मिल जाए, ऐसी कोई रेसिपी है जिसको बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, बच्चे उसको ज़्यादा खाते नहीं हैं, बस अपने लिए और हस्बैंड के लिए बनानी है, तो वो चीज़ मैं एडवांस में बना के रख लेती हूँ। जैसे करेला हो गया, तो करेले को मैंने अच्छे से बना के कूल करके एयरटाइट डब्बे में रख लिया है। इसको एज अ साइड डिश हम लोग यूज़ कर सकते हैं राइस के साथ या किसी भी करी के साथ, और बच्चे तो करेला खाते ही नहीं हैं, तो अपने लिए अपने हिसाब से स्पाइसेस वगैरह डाल के इसको बना के रखा जा सकता है। और अगर आपका किसी दिन पास्ता बनाने का मन है, तो अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आप पास्ता भी बॉईल करके रख सकते हैं। ऑल्सो स्पिनच का प्यूरी मैं हमेशा बना के रखती हूँ, तो ये देखिए पास्ता एंड स्पिनच का प्यूरी मैंने रेडी करके और एयरटाइट डब्बे में रख दिया है। करी लीव्स को भी मैं अच्छे से स्टोर करती हूँ, सो दैट ख़राब ना हो। और इस तरीके से मेरी मील प्लानिंग चलती है, हरा धनिया गार्निशिंग के लिए, और जब कोई रेसिपी कम्प्लीट होती है तो ऐड करने में बहुत अच्छा लगता है, फ्लेवर भी, और वो रेसिपी को एक एनहेंस कर देता है। तो हरे धनिया को मैं हमेशा अच्छे से स्टोर करती
बनाती हूँ। और यहाँ पर है एक हरी चटनी की रेसिपी, सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स है, हरी मिर्च, नींबू है, ब्लैक सॉल्ट और हरा धनिया। अगर आपके पास मिंट लीव्स हों तो वो भी ऐड कर लें, अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो ये चारों चीज़ों हमको ऐड करनी है और हमको हरी चटनी बनानी है, जो कि हमारी मल्टी यूज़ होगी। आप किसी भी चीज़ में आप उसको एज अ चाट ऐड कर सकते हो, एज अ यू नो पराठे के साथ या फिर सैंडविच में। थोड़ा सा पानी डाला था मैंने और यहाँ पर हमारी हरी चटनी जो है वो रेडी हो गई है। ये देखिए कितनी टैम्पटिंग और कलरफुल सी बनी है। और अगला स्टेप है मेन्यू प्लानिंग का। तो संडे इवनिंग या संडे नाइट को जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं यहाँ पर मेन्यू प्लानिंग करूँगी और मंडे से लेके फ्राइडे तक का ब्रेकफास्ट मेन्यू मैं फ़िक्स कर देती हूँ। मेरी फैमिली को ब्रेकफास्ट करना बहुत पसंद है और सुबह सुबह मुझे ये ना सोचना पड़े कि आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, इसीलिए मंडे से फ्राइडे का मेन्यू फ़िक्स करना मेरे लिए बहुत काम करता है। और इसके साथ ही मैंने मंडे और ट्यूसडे का लंच और डिनर मेन्यू भी एडवांस में लिख लिया है और इसकी जो भी प्रिपरेशंस नीडेड हैं वो कर ली हैं। पूरे वीक का लंच और डिनर मेन्यू मैं एडवांस में डिसाइड नहीं करती हूँ, इससे चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। सब्जियाँ चॉप कर ली, प्रिपरेशंस कर ली, हो सकता है हमें वो फिर से बनाने का मन ना हुआ, तो इसीलिए मैं पूरे वीक की बजाय दो दो दिन या एक एक दिन का मेन्यू जो है वो एडवांस में डिसाइड करके चलती हूँ और इस तरह से मेरी मील प्लानिंग ज़्यादा फीजिबल होती है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, अभी है मंडे मॉर्निंग और ब्रेकफास्ट में मुझे बनाना है उपमा। तो जब मैं किचन में आई मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा, उपमा बनाने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो मैंने निकाली और ये है हमारा हेल्दी प्रोटीन बेस्ड फुलफिलिंग ब्रेकफास्ट। साथ ही मुझे ब्लैक चने बनाने हैं जो मैंने ओवरनाइट सोक किए थे, इनको ड्रेन करके वॉश कर लिया है और मैं इनको प्रेशर कुकर में 7 to 8 विसल्स के लिए कुक कर लूँगी। और दूसरी चीज़, मैंने येलो मटर जो है वो भी ओवरनाइट सोक किए थे बट वो मुझे आज नहीं बनाने हैं, इसलिए मैंने उनको ड्रेन करके वॉश करके एयरटाइट डब्बे में रख दिया है। ऑल्सो मुझे आलू बॉयल करने हैं तो मैंने माइक्रोवेव में यहाँ पर आलू बॉयल कर लिए, एक पोटैटो ऑप्शन है जिससे काफ़ी अच्छे से बॉयल हो जाते हैं। और अपने दिन की शुरुआत एक हेल्दी फुलफिलिंग ब्रेकफास्ट से की जाए तो दिन काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड और प्रोडक्टिव फील होता है। और मॉर्निंग आवर्स में ही मैं अपने लंच और डिनर रिलेटेड कुकिंग करती हूँ। मैं बनाने वाली हूँ ब्लैक चने और उसमें थोड़े पोटैटोज ऐड करूँगी और मॉर्निंग आवर्स में ही मैं लंच और डिनर के लिए आटे का डो रेडी करती हूँ। दही भी मैं होममेड बनाती हूँ क्योंकि उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है मेरी फैमिली में सबको, लेकिन इस बार मैं दही नहीं बना पाई हूँ तो ये मार्केट वाली दही सर्व कर रही हूँ। नेक्स्ट टाइम रेसिपी शेयर करूँगी अगेन। और ये देखिए आलू और ब्लैक चने रेडी हैं, इसकी रेसिपी आप मेरे व्लॉग्स में देख सकते हो। और बच्चे स्कूल से आते हैं तो उन्हें काफ़ी भूख लगती है, मेरी डॉटर स्कूल से आने के बाद कुछ ना कुछ स्नैक्स मांगती है तो मैं शाम को चाय बनाती हूँ। ऑल्सो बच्चों के लिए कुछ इजी सा स्नैक्स बनाती हूँ और जो भी ब्रेकफास्ट से बचता है वो हम स्नैक्स में ले लेते हैं। और ये है हमारा डिनर गाइस। और मोस्ट ऑफ द टाइम लंच और डिनर मेरा सेम रहता है या फिर थोड़े बहुत चेंजेस रहते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सो अभी है ट्यूसडे मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट मैं बनाऊंगी बॉम्बे स्टाइल सैंडविच और पालक पनीर, रोटी और जीरा आलू है लंच डिनर का मेन्यू। जीरा आलू मेरा कई दिनों से बनाने का मन था और अगर कोई रेसिपी का आपका मन है या बच्चों का मन है तो डेफिनेटली उसको ट्राई करना चाहिए। आलूओं को मैं वॉश करके इस तरह से स्लिट लगा लूँगी और उसके साथ ही माइक्रोवेव में एक पोटैटोज का ऑप्शन है, उसमें नंबर ऑफ पोटैटो मेंशन करके उसमें बॉयल होने रख दूँगी। और चाय तो एवरीडे बनती है मॉर्निंग में और इवनिंग में। और देखिए माइक्रोवेव में आलू अच्छे से बॉयल हो गए हैं, मैंने कट कर दिए हैं ठंडे होने के लिए। यहाँ पर मैं सैंडविच के लिए मल्टीग्रेन ब्रेड यूज़ कर रही हूँ, बच्चे तो खाएंगे नहीं वो वाली सैंडविच, कई बार ट्राई किया नहीं खाते, तो चीज़ सैंडविच बना रही हूँ। चीज़ सॉल्ट ब्लैक पेपर के साथ ग्रिल कर दिया है, ये उन दोनों को अच्छी लगेगी। और यहाँ पर मैंने टमाटोज, अनियन और ये सब चॉप करके बॉम्बे स्टाइल सैंडविच बनाना शुरू किया है। थोड़ा सा स्प्रेड लगाया है और जो भी चीज़ें हैं साथ ही चाट मसाला, हरी चटनी, थोड़ा सा केचप और उनको ग्रिल कर दिया है। और ये देखिए परफेक्ट सैंडविच रेडी है। और मील्स के बीच में कभी कभी स्नैकिंग करने का मन करता है तो कभी ड्राई फ्रूट्स मैं ले लेती हूँ या बच्चों को दे देती हूँ। इन द सेम वे फ्रूट्स भी एक अच्छा स्नैकिंग ऑप्शन है तो फ्रूट्स करके मैं फैमिली को सर्व कर देती हूँ। और ब्रेकफास्ट हो चुका है, ब्रेकफास्ट के बाद मॉर्निंग आवर्स में ही मैं लंच डिनर की कुकिंग करूँगी। तो यहाँ पर मेरी तैयारी है, पालक का प्यूरी मैंने ब्लांच करके रेडी किया हुआ है, ऑल्सो मैंने पनीर चॉप करके फ्रोज़न किया हुआ था वो निकाल लिया है। फ्रोज़न पनीर को मैं थोड़ी देर गर्म पानी में डालूंगी और यहाँ पर मैं जल्दी से अपनी जो
ग्रेवी है उसकी तैयारी करूँगी। चॉपर का यूज़ करते हुए मैं ग्रेवी बनाती हूँ सो दैट टाइम सेव हो। और इस तरीके से यहाँ पर पालक पनीर जो है उसकी तैयारी चल रही है। और ये देखिए आलू जो हैं वो अच्छे से बॉयल हो गए हैं। थोड़े आलू मैंने एक्स्ट्रा बॉयल कर लिए हैं, इनको मैं कवर करके रख दूँगी। इसका मैं कभी पराठा बना सकती हूँ, कोई सैंडविच। और मॉर्निंग आवर्स में ही मैं लंच और डिनर के लिए डो रेडी करती हूँ। राइस जो इनटेक है वो कम रहता है, रोटियाँ हम लोग ज़्यादा खाते हैं। पनीर जो है यहाँ पर सॉफ्ट हो चुका है और पनीर भी एक अच्छा स्नैकिंग ऑप्शन है। सिया और भूमि को पनीर खाना ऐसे कटोरी में दे दो, उनको अच्छा लगता है। पनीर सॉफ्ट होता है एंड गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर वेजिटेरियंस। तो यहाँ पर पालक पनीर जो है वो हमारा रेडी हो गया है। थोड़ी क्वांटिटी आपको एक्स्ट्रा लग रही होगी क्योंकि लंच और डिनर के अकॉर्डिंग है। और जीरा आलू बनाने के लिए मैंने आलू बॉईल कर लिए हैं। यहाँ पर पैन में मैंने ऑयल लिया है, उसमें हींग जीरा ऐड किया है, जीरा थोड़ा ज़्यादा ऐड किया है। इसको सॉटे करूँगी और उसमें डाल रही हूँ मैं हरी मिर्च। सिया और भूमि जीरा आलू नहीं खाते हैं इसलिए मैंने हरी मिर्च अच्छी क्वांटिटी में डाल दी है। और उसके बाद मैंने थोड़े आलू बचा लिए हैं, बाकी आलू ऐड कर दिए हैं और इसको सॉटे करूँगी। ऑल्सो एज़ पर द टेस्ट हमको सॉल्ट डालना है और बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं, बस हरा धनिया। और परफेक्ट जीरा आलू रेडी है। ऑल्सो जो दूसरे साइड में मैंने आलू सेव किए थे उनको मैं ऐसे कवर करके रख दूँगी, तो इसको मैं किसी सैंडविच में या पराठे में फिल कर सकती हूँ। और स्नैकिंग के लिए आज ग्रेप्स थे, ऑल्सो कभी बनानाज होता है तो फ्रूट्स वगैरह जो भी अवेलेबल होते हैं वो मैं स्नैकिंग के लिए बच्चों को दे देती हूँ, हस्बैंड को उनके डेस्क पे दे आती हूँ और अपने लिए ले लेती हूँ। तो ये था हमारा लंच गाइस, परफेक्ट सा लंच लग रहा है। और इवनिंग स्नैक्स में मैंने मल्टीग्रेन ब्रेड है उसको टोस्ट कर दिया था क्योंकि जैसे मैं बता रही थी कि शाम को बच्चों को भूख लगती है, तो पीनट बटर मैं हमेशा अपने पैंट्री में रखती हूँ। सिया और भूमि दोनों को ही पीनट बटर बहुत पसंद है और पीनट बटर भी अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। शाम की चाय बन रही है, सिया और भूमि के लिए आधा आधा ग्लास दूध रेडी कर दिया है। और ये रही हमारी चाय, और पीनट बटर टोस्ट बना दिया है मैंने सबके लिए। एक एक ब्रेड मैंने अपने लिए और हस्बैंड के लिए भी सेक लिया है। शाम को जो भी खाना होता है डिनर के लिए मैं उसको अच्छे से गर्म करती हूँ पैन में। माइक्रोवेव में गर्म करने से खाने का टेस्ट बदल जाता है, लेकिन अगर गैस पे खाना अच्छे से रीहीट किया जाए तो वो फ्रेश जैसा ही लगता है। ट्यूसडे तक का मील आप देख चुके हो और ट्यूसडे नाइट को मैं वेडनेसडे एंड थर्सडे की मील प्लानिंग कर रही हूँ। देखिए तो जो भी मेन्यू है वेडनेसडे थर्सडे का वो मैंने लिख दिया है। इससे मुझे आइडिया लगता रहता है कि क्या चीज़ें फ्रिज में से पहले ख़त्म करनी है मुझे, जो चीज़ें ख़राब हो रही हों उनको पहले ख़त्म करने की पूरी कोशिश करती हूँ। और रात में हम लोग एक एक ग्लास दूध लेते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अभी है वेडनेसडे मॉर्निंग और ब्रेकफास्ट में है आज पास्ता। तो पास्ता बनाने के लिए मुझे जो भी चीज़ें चाहिए वो मैंने काउंटर पे निकाल के रख ली हैं। ये राउस का पास्ता सॉस है जो मैंने कॉस्को से लिया था, इसका आधा डब्बा बचा है जो मुझे फिनिश करना है। और ऑलिव ऑयल यूज़ करूँगी मैं पास्ता बनाने के लिए, ब्रोकली रखी हुई थी वो ऐड कर लूँगी। तो देखिए परफेक्ट पास्ता रेडी है। एंड देन गाइस अनफॉर्चुनेटली मेरी डॉटर की तबीयत सही नहीं थी, कफ एंड कोल्ड, सो उसने बिल्कुल भी पास्ता नहीं खाया, तो उसको मैंने सिंपली थोड़ी चाय और टोस्ट दिए हैं। और लंच में मैंने दाल राइस बनाई थी, सिंपल से दाल राइस। एंड देन मूविंग ऑन टुवर्ड्स अ प्रिपरेशन ऑफ डिनर। तो शाम के टाइम में मुझे थोड़ा टाइम मिला तो डिनर का टाइम अभी हुआ नहीं था, बट हाँ उससे पहले ही मैंने ग्रीन बीन्स निकाल लिए हैं। ये ऑलरेडी वॉश्ड हैं बट आप चाहें तो फिर से वॉश कर सकते हैं। तो मैंने ग्रीन बीन्स निकाल के इस बोल में ले लिए हैं और इसमें मैं अच्छे से वॉश करके थोड़ी देर इनको ड्राई होने के लिए छोड़ूंगी इस तरीके से। और थोड़े ड्राई हो जाएंगे जब इनको चॉप करूंगी। तो इस तरीके से ना आप ग्रीन बीन्स को 3-4 दिन पहले या 5-6 दिन पहले भी चॉप करके रख सकते हो। शाम की चाय बनने रख दी है और साथ ही मैं बैठ के ग्रीन बीन्स कट कर रही हूँ। तो मुझे तो ग्रीन बीन्स आज ही बनाने हैं, बट आप चाहो तो एयरटाइट डब्बे में स्टोर करो और जब आपको बनाने हो तब आप क्विकली लेके बना लो, कोई भी प्रिपरेशन नहीं करनी है। तो ग्रीन बीन्स हो गया, मेथी हो गया, बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो पहले से तैयार कर ली जाए तो बहुत टाइम सेव हो जाता है। और ये शाम की चाय है। ग्रीन बीन्स बनाने के लिए मैंने ग्रीन बीन्स की सारी तैयारी कर ली थी, डिनर का टाइम हुआ तो मैंने आलू चॉप कर लिए हैं और आलू बीन्स बना दिए हैं। और कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं, ज़रूरी नहीं है हर सब्ज़ी में अनियन टमाटो ग्रेवीज डाली जाएं, कुछ सब्जियां सिंपल ही अच्छी लगती हैं। तो मैंने सिंपली ऑयल लिया और उसमें पंचफोरन मसाला, कुछ बेसिक मसाले डाले और हमारा जो डिनर है वो रेडी हो गया है। जैसे मैं आपको बता रही थी मेरी डॉटर की तबीयत सही नहीं है, उसने ज़्यादा कुछ नहीं खाया और काफ़ी सब्ज़ी बच ही गई है। और अगर खाना बच जाए तो उसको अच्छे से स्टोर ज़रूर करें क्योंकि खाना बहुत मेहनत से बनता है और किसान भी बहुत एफर्ट्स करते हैं फूड ग्रो करने के लिए। तो इस खाने को मैं कोशिश करूंगी विद इन 1.5 डे हम ख़त्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लेफ्ट ओवर फूड कई दिनों तक खाते रहें, तो नेक्स्ट डे लंच के लिए हो जाएगा।
सो अभी ये थर्सडे मॉर्निंग और मेन्यू के अकॉर्डिंग आज पालक का पराठा बनाना था जो मेरी डॉटर को बहुत पसंद है और आज उसकी तबीयत सही नहीं है तो मेरा भी बनाने का मन नहीं हुआ, उसका कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा था तो मैंने सिंपली उसके लिए ब्रेड बनाया इस तरह से। और ये देखिए, मील प्लानिंग में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं जो हमने लिखा है सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग हो, तो मैं यहाँ थोड़े चेंजेस कर रही हूँ और मैंने सिंपली ब्रेड बटर सर्व किए। और लंच में ग्रीन बीन्स की सब्ज़ी ऑलरेडी है जिसको मैं हीट कर लूँगी, अच्छे से रोटी बना लूँगी। और मेरी डॉटर को मुझे मेडिसिन देनी थी तो मैंने सीरियल दे दिया उसको, थोड़ा लाइट रहता है। और डिनर में मैं बनाऊँगी येलो मटर जो उसे पसंद है, आई होप वो थोड़ा बहुत खा ले, बच्चों की तबीयत ख़राब हो वो ज़्यादा नहीं खाते हैं। मेरे हस्बैंड को ब्रेड बटर इतना नहीं पसंद है तो मैंने सिंपली उनके लिए ब्रेड पर थोड़ी हरी चटनी लगाई, थोड़ा सेव भुजिया डाला और उनके लिए ना क्विक फिक्स सैंडविच बना दी। और ये रतलामी सेव यूज़ किया है और ये देखिए अच्छी लग रही थी सैंडविच, आप लोग ट्राई कर सकते हो चाहो तो। और नेक्स्ट डे मुझे फ्राइडे ब्रेकफास्ट में साबूदाना खिचड़ी बनानी है तो मैंने थर्सडे नाइट को ही ना 2 घंटे के लिए साबूदाना सोक कर दिया है और सोक करने के बाद इसको ड्रेन करके फिर एयरटाइट डब्बे में रख दूंगी तो इससे खिला खिला बनेगा। और थर्सडे डिनर के लिए मैं ये बना रही हूँ येलो मटर और इसको मैं पहले बॉईल कर लूँगी सॉल्ट और पानी के साथ और जैसे छोले बनाते हैं ऑलमोस्ट सेम रेसिपी की तरह ही इसको बनाऊँगी। मुझे सिंपल होममेड रेसिपीज़ बनाना बहुत अच्छा लगता है एंड द गुड थिंग इज़ कि मेरी फैमिली भी इसे अप्रिशिएट करती है। और जो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये सिंपल जेन्यून ऑनेस्ट मील प्लान है मेरा जो मैं एक्चुअली फॉलो करती हूँ। आप में से कई लोगों ने मुझे हमेशा शेयर किया है कि गौरा हमने ब्रेकफास्ट का मेन्यू फिक्स करके देखा और बहुत हेल्पफुल है। और हर वीक सेम नहीं होता है, नई रेसिपीज़ कुछ नए चेंजेस होते हैं, कुछ नया ट्राई भी करती हूँ। तो इस वीक जो चीज़ें हैं हो सकता है नेक्स्ट वीक अलग चीज़ें हों, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा सो दैट आप लोग देख सकें। तो येलो मटर छोले और रोटी जो है उसमें से बच ही गया है काफ़ी सारा, थोड़ा बहुत ही खाया मेरी डॉटर ने तो मैंने प्रीवियस डे का ही लिख दिया है फ्राइडे के लंच के लिए। एंड फ्राइडे डिनर श्योर नहीं होता है क्योंकि कभी मेरे हस्बैंड कुछ ट्राई करते हैं, कभी मैं कुछ नया ट्राई करती हूँ और इसीलिए मैंने नॉट श्योर लिखा है अभी। और ये देखिए थर्सडे नाइट के जो छोले थे वो मैंने अगेन अच्छे से स्टोर किए हैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अभी फ्राइडे मॉर्निंग है और यहाँ पर देखिए मेरे पास आलू ऑलरेडी रखे थे जिनको मैंने चॉप कर लिया है और साबूदाना मैंने लास्ट नाइट ही 2 घंटे सोक करके ड्रेन करके रखा था तो यहाँ पर क्विकली मैंने साबूदाना खिचड़ी बना दी है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसमें क्योंकि तैयारी थी और इस तरीके से। एंड लंच में मैंने जो मटर छोले थे उनको अच्छे से गर्म कर लिया और साथ ही मैंने रोटियाँ सेक ली थी। तो इस तरीके से होता है गाइस, जो चीज़ें ख़त्म हो रही होती हैं उनको मैं एक लिस्ट में लिख लेती हूँ सो दैट अगले वीकली ग्रॉसरी में याद रहे। सो इसके अलावा भी कुछ और आइडियाज़ एंड मील प्लानिंग हैक्स हैं जो मैं फॉलो करती हूँ, हो सकता है मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किए हैं वो। तो जैसे आलू बॉयल करके रखना, 2-3 दिनों के लिए आप आलू डेफिनेटली बॉयल करके रख सकते हो या कोई रेसिपी के लिए। क्विक फिक्स स्नैक्स ऑप्शंस डेफिनेटली होने चाहिए, पैनकेक्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, कोई टोस्ट करके एवोकाडो टोस्ट बना लिया। तो ये सारे आइडियाज़ जो हैं ये भी आप फॉलो कर सकते हो। अगर आपके बच्चों को पनीर खाना पसंद है तो पनीर फ्राई बना सकते हो या फिर पनीर स्टिक्स दे सकते हैं। एंड पालक का प्यूरी या ग्रेवी हमेशा बना के रखें, इसको आप डो में यूज़ कर सकते हो, राइस में, खिचड़ी में, किसी में भी यूज़ कर सकते हो। ब्लैक चने हो गए, छोले हो गए, आलू हो गए, ये आप बॉयल करके रख सकते हो, इससे आप चाट बना सकते हो, कोई सब्ज़ी बना सकते हो। और जैसे मैं आपको बता रही थी करेला या कोई ऐसी सब्ज़ियाँ होती हैं जो बच्चे ज़्यादा नहीं खाते हैं बट यस वो ज़्यादा दिन चल जाती हैं तो उसको आप एज अ साइड डिश बना सकते हो। स्वीट पोटैटो बॉयल करके रख सकते हो, इसको आप आटे के डो में यूज़ कर सकते हो या फिर स्वीट पोटैटो चाट बना सकते हो या सिंपली ऐसे ही सॉल्ट ब्लैक पेपर स्प्रिंकल करके स्वीट पोटैटो खा सकते हो। इट इज़ अ वेरी हेल्दी फूड। और फ्रूट्स की बात रही तो फ्रूट्स डेफिनेटली कट करके अपनी फैमिली को सर्व करें तो वो ख़त्म भी होते हैं, अदरवाइज ना वो फ्रिज में ही रखे रह जाते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ मैं फ्रूट सर्व करूँ सब लोगों को। अगर हम बैंगन की बात करें तो बैंगन का भरता बनाने के लिए अगर हमारे पास बैंगन है तो उनको हम पहले से अगर रोस्ट कर लें तो बैंगन का भरता जिस दिन बनाना है बड़ा ईजी हो जाता है। पनीर हो गया, पनीर को हम क्यूब्स करके और इस तरीके से फ्रोज़न कर लें और रेसिपी के अकॉर्डिंग निकालें, थोड़ी देर गर्म पानी में डालें और यूज़ करें। मेथी मैं इस बार नहीं लेकर आई थी लेकिन जब भी मैं मेथी लेकर आती हूँ मैं इस तरीके से ना मेथी को साफ़ करके एक एयरटाइट डब्बे में पेपर टावल लगा के रखती हूँ और ईजी टू यूज़ है किसी भी रेसिपी के लिए। कोशिश करें सिंपल होममेड रेसिपीज़ बनाएं, टू मच कॉम्प्लिकेटेड रेसिपीज़ से डीमोटिवेशन होता है और कुकिंग करने का मन भी नहीं होता। भिंडी जब भी लाती हूँ उसको साफ़ करके और ड्राई करके
मैं इस तरीके से एयरटाइट डब्बों में रखती हूँ सो दैट क्विकली भिंडी बना सकूँ और बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे जब हमें भिंडी बनानी है। तो आप भी इस तरीके से गाइज ये सब चीज़ें ट्राई कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है पूरे हफ्ते की प्लानिंग की जाए, दो दो तीन तीन दिन लेकर चलें। और गोभी भी हमेशा, जैसे जब गोभी बनानी है अगले दो दिन में, तो मैं फ्लोरेट्स कट करके रख लेती हूँ। मिर्च को डंठल हटा के अगर स्टोर किया जाए तो वो ज़्यादा दिन चलती है। और सम टाइम कोशिश करती हूँ बच्चों के लिए कोई लड्डू या कुकीज़ की नई रेसिपी सीखूँ और बनाऊँ। तो अभी ही मैं एंड करती हूँ मील प्लान यहाँ पे गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं फ्यूचर में और भी मील प्लानिंग वीडियोस शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन, बाय। और हाँ, मसाला बॉक्स फिल करना ना भूलें।